गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज की इस लाइव टेस्ट में हम लोग जी के का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हाँ जी किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसका एक और ज़रूरी बात अगर आपको सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए ठीक है टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे आपको सभी का वीडियो पी मिल जाएगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है टेलीग्राम को ओपन करना है और वहाँ पे आपको हमारा सर्च करना है ये टोटल लर्निंग ठीक है टोटल लर्निंग सर्च करोगे तो फर्स्ट चैनल हमारा आ जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना है वहीं पे आपको प्रतिदिन वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ डी भी मिल जाएगा और वहाँ पे हर चीज़ का मैं नोटिफिकेशन बताते रहता हूँ कि एग्ज़ाम कब है एडमिट कार्ड कब आएगा सभी चीज़ का तो चलिए आज की इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग वीडियो को अपने ग्रुप में दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए हाँ जी ग्रुप में दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना हाँ यार लाइक कर देना तो जितने भी लोग लाइव जुड़ गए हैं वो लोग एक बार यस कमेंट कर दीजिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं हाँ जी लाइव टेस्ट को स्टार्ट कर दिया जाएगा एक बार यस लिख दो और आपको प्रत्येक दिन आठ बजे इसी समय पीएम में आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रतिदिन टेस्ट लाइव एकदम टेस्ट होगा यहाँ पे लाइव हाँ जी तो जल्दी से आप लोग यस कमेंट करो चलिए तो क्लास को शुरू कर दिया जाए हाँ जी यस कमेंट हाँ चले स्टार्ट कर दिया जाए चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपको शुरू से दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पे है कह रहा है जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है हाँ जी जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो उसे क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए है, है प्रागैतिहासिक काल ऑप्शन नंबर बी है आध ऐतिहासिक काल ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन काल ऑप्शन नंबर डी है ऐतिहासिक काल हाँ जी आंसर करिए बीस एम सी क्यू लाया हूँ जीके से चलिए आंसर करिए सभी लोग हाँ जी सभी लोग आंसर करिए हाँ तो सभी लोग मिलाइएगा सभी लोग मिलाइएगा सभी लोग आंसर कर रहे हैं तो यहां पे देखिए इसका राइट right आंसर हो जाएगा प्रगतिहासिक काल जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट right है हाँ जी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right हो जाएगा हाँ हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर दो आ गया कहता है आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया हाँ जी आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया है, bell, B, C, guy, D, हाँ, हाँ जी क्या होगा आंसर बताइए आंसर बताइए आप लोग आप लोग पांच सेकेंड के अंदर में ही आंसर कर दीजिएगा हाँ जी पांच सेकेंड तक आपको वेट करना होगा क्वेश्चन वैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखे आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए हाँ जी तो चलिए इसका राइट आंसर देखिएगा जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ठीक है थीके? जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट right है ठीक है कुत्ता को सबसे प्रथम बार पालतू पशु बनाया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर तीन गया कहता है आधुनिक होमोशेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था मानव का उद्भव किस काल में हुआ था ये बताना है ऑप्शन नंबर एक कहता है निम्न पुरा पाषाण काल बी कहता मध्य पुरा पाषाण काल सी कहता उच्च पुरा पाषाण काल और डी कहता है ताम्र पाषाण क्या होगा राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए हाँ जी कमेंट करिए सभी का कमेंट मैं देख रहा हूँ सभी का परफॉर्मेंस अब अच्छा होना चाहिए प्रत्येक आठ बजे ठीक है आठ बजे प्रतिदिन शाम में आपको जीके का लाइव क्लास मिलेगा हाँ जी जीके का प्रीमियरिंग लाइव क्लास मिलेगा आपको और आपको इस लाइव क्लास में कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा लाइव का कह के, के आप जवाब दे सकते हैं हाँ जी तो चलिए इसका राइट आंसर देखिए तो इसका राइट आंसर जो भी सी बता रहे हैं उच्च पूरा पाषाण काल में तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है बहुत अच्छी बात है आप लोग इसी तरह से तैयारी करते चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ठीक है कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और अपने अनुसार बताइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया है ठीक है बीस क्वेश्चन है इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर फोर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर कहता है मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था हाँ जी मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था आंसर बताइए चलिए आंसर बताइए आप लोग हाँ जी सभी लोग आंसर कर रहे हैं तो चलिए पांच सेकेंड का समय होता है समाप्त अब चलिए इसका मिलाने के लिए रेडी हो जाइए तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ठीक है जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे नव पाषाण काल उनका राइट है आग की खोज किस काल में हुआ था तो नव पाषाण काल में और एक और बात करें पहिए की खोज भी किस काल में हुआ था तो नव पाषाण काल में हुआ था ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपका पूछा जाता है चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को करेंगे जी हाँ जी भूगोल से करेंगे व्यवस्था से करेंगे संविधान से करेंगे सभी टॉपिक से करने वाले हैं क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है क्वेश्चन नंबर फाइव का था मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया हाँ जी मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया ऑप्शन नंबर ए कहता था लोहा ऑप्शन नंबर बी कहता था चांदी ऑप्शन नंबर सी कहता था तांबा ऑप्शन नंबर डी कहता था पीतल क्या होगा राइट आंसर आपको कमेंट करना है हाँ जी उत्तर दीजिए हाँ, सभी लोग उत्तर दीजिए तो चलिए तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं इसका राइट आंसर मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था तो वो था तांबा ठीक है तांबा किया था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा हाँ जी पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स अब ये मत देखिए क्वेश्चन आसान है तो हम लोग इसको जानते हैं तो छोड़ करके वीडियो को चले जाइए नहीं आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका मजबूत हो जाएगा जीके क्योंकि पचहत्तर अंक आपको जीके के समझ जाइए पचहत्तर अंक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स का था मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी हाँ जी मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी ऑप्शन नंबर ए है चावल बी है जौ सी है गेहूँ और डी का था इनमें से सभी हाँ जी कौन सा राइट आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है तो चलिए इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन आपको यहाँ पे प्रतिदिन लाइव क्लास मिलेगी चलिए इसका राइट आंसर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं का ठीक है गेहूं का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूं गेहूं को सबसे पहले फसल थी हाँ जी एक और बात बता दूं कि इलेक्शन का भी आपको करंट अफेयर मिलेगा करंट अफेयर हमारे चैनल पर मिलेगा वार्षिकांक मिलेगा उसका भी आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा जीके में इसी टाइम मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना हाँ जी मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना ऑप्शन नंबर ए कहता है मध्य पाषाण काल बी कहता है ताम्र पाषाण काल सी कहता है नव पाषाण काल और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं हाँ जी क्या होगा राइट आंसर चलिए सभी लोग करिए कमेंट जितना जल्दी हो सके आप लोग कमेंट करते चले तो चलिए हाँ जी हाँ सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं तो जो भी ऑप्शन नंबर सी कहते हैं नव पाषाण काल उनका राइट है जी हाँ जी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा क्या मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना था तो नव पाषाण काल में बना था हाँ तो सात का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट कहता है निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है हाँ जी हड़प्पा के उत्खनन से कौन ऐसे व्यक्ति है जो संबंधित देखिए यहाँ पे आपको टिक लगा हुआ लगा ठीक है तो आप लोग तो आंसर बता दीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दया राम साहनी और एक और थे कौन थे जो हड़प्पा के संबंधित थे वो कौन थे वो आपको बताना है हाँ जी दो व्यक्ति थे जो कि हड़प्पा से संबंधित एक पहला तो दयाराम साहनी थे और एक और थे कौन थे वो आपको बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए चलिए चलिए मैं बता देता हूँ कौन थे दूसरा थे व्यक्ति राखाल दास बनर्जी ठीक है कौन थे राखाल दास बनर्जी ठीक है राखाल दास बनर्जी और इसका खोज कब हुआ था यहाँ पे देखिए अब जब सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ था तो वो हुआ था 1921 ईस्वी को ठीक है सभी टॉपिक को ध्यान दीजिएगा 1921 ईस्वी को उनका खोज हुआ था और ये हड़प्पा कहाँ है तो ये है पाकिस्तान का मोट गोमरी ज़िला में ठीक है कहाँ पे मोट गोमरी ज़िला होता है पाकिस्तान में वहाँ पे हड़प्पा है ठीक है ठीक है अब बात करें मोहन जुदारो की जो कि हड़प्पा से ही संबंधित है तो मोहन जुदारो के मोहन जुदारो का आप लोग नाम तो सुने होंगे इस पर मूवी भी बनी थी तो मोहन जुदारो जो है बहुत ही एक समझिए तो बाजार लगता था यहाँ पर ठीक है मोहन का बाज़ार लगता था और इसके जो इसके जो कौन थे इसके कौन थे खोजकर्ता तो राखाल दास बनर्जी थे यही थे जो इनके खोज किए थे और कब हुआ था तो 1922 सौ ईस्वी में हुआ था ठीक है 1922 सौ बाईस ईस्वी में हुआ था खोजकर्ता कौन थे मोहनजुदारो का तो राखाल दास बनर्जी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हाँ जी तो आठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी को समझ में आ गया होगा हाँ जी सभी को समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब हाँ जी हाँ जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है हरप्पाई स्थलों में कांस्य नृतकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है हाँ जी जो कांस्य मूर्ति मिली थी नृतकी की डांसर की वो कहाँ से मिला था हाँ जी आंसर बताना है सभी लोग आंसर करिए और हो सके तो वीडियो को शेयर और लाइक करिए हाँ जी लाइक करना नहीं भूलिएगा वीडियो को तो चलिए इसका राइट आंसर देखिए तो जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बोहन जुदारो से मिली थी तो उनका राइट right है ठीक है ऑप्शन नंबर डी ही राइट right होगा और सभी लोग अपना आंसर को नोट करते चलिएगा ठीक है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप कितने सही बताएं क्वेश्चन नंबर दस कहता है प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली हाँ जी जो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर है वो कहां से मिली है इसका राइट right आंसर बताना है हाँ जी तो चलिए चलिए इसका राइट आंसर देखिएगा इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा मोहन जुदारो जो भी सी बता रहे हैं उनका राइट है ठीक है मोहन जुदारो से क्या हुआ था पशुपति की मुहर मिली थी और देखिए यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ टारगेट कितना है बीस में बीस लाना है जी हाँ जी सभी स्टूडेंट को बीस में बीस लाना है पचहत्तर अंक का होता है पचहत्तर टारगेट रखना है इस वीडियो में बीस में बीस लाना है चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह कहता है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है हाँ जी जो सिंधु सभ्यता है उसमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिलता है चलिए राइट आंसर करिए सभी लोग चलिए चलिए इसका राइट आंसर देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोथल से ठीक है लोथल से क्या मिलता है गोदीवारा का साथ ही मिलता है लोथल क्या है एक बाजार है ठीक है शहर सॉरी बाजार नहीं कह सकते शहर है जो कि हरप्पा सभ्यता का बहुत ही मह, महत्वपूर्ण शहर है चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर बारह की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बारह कहता है क्वेश्चन नंबर बारह कहता है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागर कहाँ से प्राप्त हुआ हाँ जी सिंधु सभ्यता में जो विशाल स्नान घर होता है स्नानाघर वो कहां से प्राप्त हुआ इसका राइट आंसर क्या होगा हाँ जी चलिए सभी लोग आंसर करिए तो चलिए इसका राइट आंसर देखिएगा सभी लोग मिलाइएगा सभी लोग मिलाइएगा जो जो आंसर कर रहे हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजुदारो ठीक है विशाल स्नाना घर कहाँ मिलते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो वो मोहनजुदारो में ठीक है ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बीस का राइट हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर तेरह क्वेश्चन नंबर तेरह पुरातत्व ठीक है वेदता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि यानी ये कब से कब तक रही इसको बताना है हाँ जी ऑप्शन नंबर ए अढ़ाई सौ से अठारह सौ बी है अढ़ाई सौ से सत्रह सौ पचास सी है उनतीस सौ से सत्रह सौ और डी है चौबीस सौ से अठारह सौ ईसा पूर्व में सभी क्या हुआ राइट right आंसर हाँ जी सभी लोग आंसर कर रहे हैं हाँ जी सभी लोग आंसर करिए इसी तरह से तो चलिए इसका राइट आंसर देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व ये वैदिक काल से भी पुराना है ठीक है ये वैदिक काल से भी पुराना है जब इसका विशेष अध्ययन किया गया ये सिंधु सभ्यता का तो ये वैदिक काल से भी पुराना निकला हाँ जी कोई कोई बुक्स में आपको लूसेंट में मिल जाएगा कितना चौबीस से चौबीस से सत्रह मिलेगा ठीक है यहाँ पच्चीस से सत्रह सौ पचास दे कोई कोई बुक में चौबीस सौ से सत्रह सौ मिलेगा ठीक है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ध्यान रखना है चौबीस सौ से सत्रह सौ लूसेंट में देता है पच्चीस सौ से साढ़े सत्रह सौ ये आपको अरिहंत बुक में देता है जो पैरा मेडिकल का बुक होता है उसमें ठीक है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना और ये तिथि अभी कन्फर्म नहीं है कि यही होता है ठीक है सभी में अलग अलग होता है थोड़ा का अंतर है ठीक है थोड़ा का अंतर होता है जो कि कार्बन के थ्रू वहाँ जब कार्बन मिला उसके थ्रू ये डेट बताया गया है ठीक है हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह क्वेश्चन नंबर अठारह कहता है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है हाँ जी जो मूर्ति पूजा हुआ था आरंभ कब से माना जाता है इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे ठीक है इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे पहले आप लोग आंसर करो मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा चलिए हाँ जी सभी लोग आंसर कर रहे हैं धरल्ले से आंसर करते रहिए देखिए इसका राइट आंसर देखिएगा यहाँ पे सिंधु सभ्यता हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है ठीक है कोई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बी नहीं होगा कैसे क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो सर्वमान्य तिथि है यानी वैदिक काल का जो तिथि कितना है ठीक है वैदिक काल का जो जो सिंधु सभ्यता का तिथि मैंने बता दिया चौबीस से कितना था सत्रह ठीक है चौबीस से सत्रह था अब वैदिक काल की बात करें तो जो वैदिक काल का है पंद्रह सौ से ठीक है पंद्रह सौ से कितना है एक हज़ार है ठीक है पंद्रह सौ से एक हज़ार है जो कि ऋग्वेद का है ये किसका टाइम है ऋग्वेद का और वैदिक काल में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है जी यह पता रहना चाहिए और अर्थवर्त वेद है जो सबसे नवीनतम है तो देखिए ईसा पूर्व में जो सबसे ज़्यादा होता है जो सबसे ज़्यादा होता है वो बहुत पुराना है ठीक है 2400 1500 से ज़्यादा है जी बहुत पुराना मतलब कि यहाँ पे है यानी सिंधु सभ्यता में भी पूजा होता था ठीक है सिंधु सभ्यता में भी मूर्ति पूजा होता था यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा समझ में आ गया होगा कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए हाँ जी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब सभी को एक बार कमेंट करो यस सर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा पंद्रह से एक किसका है ऋग्वेद का ठीक है जो कि सबसे प्राचीन वेद है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है तो अर्थवर्त वेद ध्यान रखेगा यहाँ पे सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाँ जी ठीक है क्लियर है चलिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह की ओर बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे ऋग्वेद में जो आर्य लोग रहते थे ऋग्वेद में ज़्यादातर आर्य का ही पूरा उल्लेख मिलेगा आपको ठीक है आर्य समाज के लोग तो आर्य किसकी पूजा करते थे तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति बी है गाय सी है ब्रिज और डी है माता की हाँ जी किसकी पूजा करते थे बताइए आंसर चलिए हाँ जी बहुत अच्छी बात है तो देखिए यहाँ पे राइट right आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ठीक है जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे प्रकृति की उनका राइट right है जी हाँ जी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे प्रकृति की हो जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या जाएगा प्रकृति इसकी क्या है ऋग्वेद में आर्य समाज पूजा करते थे ठीक है हाँ अब बात करते हैं आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे आर्य जो आर्य भारत आर्य लोग थे जो भारत में सबसे पहले कहाँ पे बसे थे हाँ जी ऑप्शन नंबर ए सप्त सैधव प्रदेश में बी है गंगाए घाटी में डी है गंडक के तट पे और ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी सभी जगह पे बसे थे कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे पहले बसे थे हाँ जी सभी लोग राइट आ, राइट आंसर करिए सभी लोग राइट आंसर करिए थोड़ा सा देर ही सही लेकिन सही करिएगा क्योंकि आपको अभी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना सही हुआ कितना में कितना आप लाभ आए हैं तभी आपकी मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है हाँ जी तो चलिए तो चलिए इसका राइट आंसर देखिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सप्त सैधव प्रदेश ठीक है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ हुए थे तो सप्त सैधव प्रदेश में और भी क्वेश्चन आता है कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे तो ध्यान रखिएगा सप्त सैधव रहा तो सप्त सैधव मार देना है। जब एशिया माइनर रहा यानी कि कहाँ पर बसे थे तो मध्य एशिया में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मध्य एशिया में सबसे पहले आए थे ठीक है उनका निवास स्थान कहाँ है जी मध्य एशिया में ऐसा क्वेश्चन मिले तो मध्य एशिया को ही टिक करना यानी कि अंग्रेजी में कर सकते एशिया माइनर चलिए हाँ जी देखिए ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर सत्रह का था आर्यो का मूल निवास कहाँ है हाँ जी आर्यो का मूल निवास कहाँ है तो अभी मैंने बता दिया था एशिया माइनर यानी ऑप्शन नंबर बी जो बताऊंगे ठीक है सभी लोग बी बताएंगे मुझे पता है क्योंकि अभी मैंने बता दिया था एशिया माइनर हो जाएगा ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एशिया माइनर हाँ जी हाँ जी एशिया माइनर ही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठारह आंसर करो क्वेश्चन नंबर अठारह का आंसर करो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से है हाँ जी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे वेद से है किस वेद से है चलिए हाँ जी राइट आंसर करिए सभी लोग चलिए हाँ सभी का कमेंट आ रहा है सभी का कमेंट आ रहा है तो इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद में ठीक है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का आपको उल्लेख मिलेगा ठीक है और किस मंडल में है ठीक है जो गायत्री मंत्र है उसके जो किसके द्वारा रचित है इसको जान लीजिए जो गायत्री मंत्र है वो कौन है तो विश्वामित्र द्वारा रचित है आप लोग विश्वामित्र जो ऋषि मुनि थे उनको तो आप लोग भरी भांति से पहचानते होंगे विश्वामित्र द्वारा क्या है गायत्री मंत्र रचित है जो कि ऋग्वेद में तीसरा मंडल में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र मिलेगा ठीक है ध्यान देना यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन उन्नीस का था सतम में उक्ति कहाँ से ली गई है हाँ जी सत्य में उक्ति है जो कहाँ से ली गई है ऑप्शन नंबर ए कहता है छंद योग उपनिषद बी का था मुंडकोपनिषद सी कहता है मनु स्मृति और डी कहता है ऋग्वेद हाँ जी राइट right आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए टाइम होता है स्टार्ट सभी लोग बताइए हाँ जी सभी लोग बता रहे हैं सभी लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है सभी लोग कमेंट करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे इस टाइम में जी के जो क्लास लाइव होता है उसमें सभी लोग जुड़ सकें तो चलिए इसका राइट आंसर मिलाने के लिए रेडी हो जाएगी जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मुंडकोपनिषद ठीक है मुंडकोपनिषद उनका राइट है जी हाँ जी उन्नीस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंडकोपनिषद ठीक है हाँ जी चलिए लास्ट क्वेश्चन बीस में बीस किन का सही होता है देख लेते हैं आज हाँ जी क्वेश्चन नंबर बीस कहता है ऋग्वेद का नौवा मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है हाँ जी ऋग्वेद में नौवा मंडल में क्या लिखा गया है हाजी नौवा मंडल में किसके लिए बताया गया ये बताना ऑप्शन नंबर एक आता है सोम बी कहता है अग्नि सी कहता है वरुण और डी कहता है इंद्र किन के लिए लिखा गया है हा जी हाँ सभी लोग आंसर कर रहे हैं सभी लोग आंसर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और मैं उनका परफॉर्मेंस देखूँगा नेक्स्ट वीडियो में उनका बारे में मैं बताऊँगा उनके पास कॉन्टैक्ट जाएगा हाँ जी तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोम ठीक है क्या हो जाएगा सोम हो जाएगा सोम देवता का उल्लेख मिलता है नौमा मंडल में ठीक है आज आज के लिए बस इतना ही सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत